ठीक है, बाय चल मैं चला, मिलते हैं कुछ दिन में, चलो ख्याल रखना, सी यू, बाय बाय। हेलो जी, क्या हाल चाल है जी? बस बढ़िया, आपकी कृपा। तो आपने जिस तरह लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मुझे अचानक निकलना पड़ा, तो मैं निकल चुका हूँ। मेरे को करीब टोटल जर्नी है 5.5 घंटे की, जिसमें से मैं करीब अभी 2.5 घंटे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो रास्ते में चलते चलते मेरे को ये जगह दिखी, तो मैं कहा यहाँ आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये एक छोटा सा पुराना सा गांव है, बस्ती पुरानी सी, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता है। घर यहाँ पे टूट चुके हैं, कुछ जल चुके हैं, एकदम वीराना है। ज़रा देखते हैं जाके पुराने ज़माने में घर कैसे होते थे। ये देखिए, पूरे घर लकड़ी के बने होते थे। इसका तो बहुत ही बुरा हाल है, ये तो पूरा ऊपर से फंस चुका है। और ये आउट हाउस है बेसिकली, पुराने जमाने में बाहर पॉटी हुआ करती थी, तो मेरे ख्याल से वही है। या तो ये जानवर रखने का कोई शेड है, कि जानवर रखने का कोई शेड है। नहीं रहे। ये देखिए एक पुराना सा घर, फर्नीचर वगैरह तो कुछ नहीं है पे, बट एक पुराना सा फ्रिज अंदर पड़ा हुआ है। मैं 2 मिनट के लिए नीचे उतरा था शॉर्ट एक दो लेने के लिए, और इतने मच्छर थे वहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर और रुकूंगा ना, उन्होंने मेरे को ही चुप के ले जाना है। यहाँ हमें रोक दिया गया है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, पिछले 15 मिनट से हम यहीं पे खड़े हैं। हाईवे नंबर 63, जिसे अल्बर्टा प्रोविंशियल हाईवे नंबर 63 भी कहा जाता है, 434 किलोमीटर लंबी हाईवे है जो फोर्ट मैकमरी को एडमंटन से जोड़ती है। इस वीडियो में हम नॉर्दर्न साइड यानी फोर्ट मैकमरी की तरफ जा रहे हैं। एक जमाना था ये कनाडा की सबसे डेंजरस रोड्स में से एक थी, पर अब रोड्स वाइडन हो गई हैं और खतरे कम। ज्यादातर इस रूट पर खेती, माइनिंग, तेल, गैस और लकड़ी के सामान की मूवमेंट होती है। यहाँ कई हजार किलोमीटर तक घास के मैदान फैले हुए हैं और इन्हें प्रेरीज कहा जाता है। लगभग 150 साल पहले लोगों ने इन ग्रासलैंड्स में अपने फार्म सेट कर लिए, जिन्हें रैंच कहा जाता है। तो अभी जो अगला टाउन या शहर है वो करीब 200 किलोमीटर बाद, 225 किलोमीटर बाद आएगा। फोर्ट मैकमरी टाउन ही, मेरे को फोर्ट मैक से आगे करीब 100 किलोमीटर आगे जाना है। तो फोर्ट मैकमरी टाउन से पहले कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है दोनों तरफ, और बीच में अगर आएगा तो कुछ नदी आ गई या कुछ झील टाइप आ गई, दैट्स इट। अदरवाइज दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है और कुछ नहीं है। बाकी दिखाते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा आपको। जहां तक भी आपकी नजर जाती है, दूर दूर तक सिर्फ पेड़, पहाड़ और लेक्स, काफी सारी लेक्स, और इन सब के बीच में से निकलती हाईवे। ये इलाका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे आपको बालू से लेकर बेड़िया, उल्लू से लेकर वॉपिंग क्रेन तक काफी जानवर मिल जाएंगे, परंतु ये जगह वुड बाइसन या वुड बफेलो के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, और इसलिए इसका नाम वुड बफेलो नेशनल पार्क है। जब तक मैं अपने कैंप पहुंचता तो कैंप में किचन बंद हो गया होता, तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता।
तो यहाँ फोर्ट मैक में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, सिर्फ एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है जो मेरे पीछे है, स्पाइसेस इंडियन रेस्टोरेंट। तो वहाँ से मैंने खाना पिक कर लिया है, मैंने रास्ते में ही इनको कॉल कर लिया था, इन्होंने खाना तैयार रखा था। सो बाय द वे क्या आप बता सकते हैं टाइम कितना हुआ है अभी यहाँ पे? अभी रात के 9 बज चुके हैं और जुलाई में ऐसा तो रात के 10:30 तक होता है, जितना आप नॉर्थ और जाएंगे उतना दिन और बड़े होते जाएंगे आजकल। तो आपने कैंप की हल्की सी झलक तो बाहर से देख ली होगी, बट परेशान मत होइए, मैं अगली वीडियो में आपको अंदर से कैंप दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा मेरा रूम कैसा है, कितने छोटे बड़े रूम होते हैं यहाँ पे, कैसे टाइप के रूम होते हैं, खाना क्या मिलता है हमें, सब कुछ बताऊंगा इस बारे में, लेकिन अगली वीडियो में, क्योंकि अभी मैं थक चुका हूं, बज चुके हैं 10 बजे भी यहां पे इतनी रोशनी रहती है। सामान अपना ले लिया है और आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करते रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। तो अब बारी आती है कि ये आवाज़ किसकी थी। तो जस्ट लेट यू नो कि ये जो वॉइस ओवर था ये प्रोफेशनल ने किया था, मेरा भाई है आदित्य मट्टू, एंड जो मुंबई में लोग रहते होंगे उन्होंने तो उसको सुना ही होगा। ही इज़ RJ इन FM रेनबो इन मुंबई, ही डज अ वीकली शो, इंग्लिश हिंदी दोनों में करता है वो। तो अगर नहीं सुना है तो मेक श्योर ट्यून इन टू FM रेनबो, एंड आई डोंट नो इफ ही इज़ डूइंग इट राइट नाउ क्योंकि अभी वो घर में बैठा हुआ है जम्मू में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट या व्हेन थिंग्स बिकम नॉर्मल मेक श्योर यू लिसन टू हिम, एंड ही डज अ लॉट ऑफ अदर वर्क टू। जिस तरह आपकी कंपनीज में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये वॉइस ओवर देता है, कई सारे इसने एड्स वगैरह में वॉइस ओवर दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कैडबरी, गूगल में दिया है इसने, वीज़ा में दिया है, एंड कैडबरी वगैरह कई सारों में इन्होंने इसने वॉइस ओवर दिया हुआ, और इसने वॉइस ओवर कलर्स टीवी के लिए भी दिया हुआ है, एडलवेस, हीरो होंडा कॉरपोरेशन और भी कई सारे कंपनीज के लिए एड्स वगैरह में। तो एंड ही रन्स हिज ओन पॉडकास्ट चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर यू गो एंड चेक दैट आउट। तो अब सीधे उसी से बात कीजिए, और अगर आप मेरा बाकी ऑडियो वर्क सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, प्लीज सुनिएगा और उसको भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते तक बाय बाय।